सो वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज अपन इस लेक्चर में बात करेंगे बीएससी फाइनल ईयर का जो अपना जियोलॉजी का थर्ड पेपर है ना, अप्लाइड जियोलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स, इसके कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम के अंदर आते हैं, उन्हीं इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आज अपन इस लेक्चर में देख लेंगे जो आपके इस बार एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या होते हैं, हर बार रिपीट होने वाले ही क्वेश्चन रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो बड़े वाले क्वेश्चन है ना, इन्हीं के अंदर से क्या होता है, आपके जो एक नंबर के जो छोटे वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो भी इन्हीं बड़े वाले क्वेश्चन में से आते हैं, तो उनको भी अपन इस लेक्चर में कवर करते हुए चलेंगे। इस जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इनके अंदर वो भी कवर हो जाएंगे और बड़े वाले क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, आ सकता है कि इंसेक्ट्स एंड डियर मैनेजमेंट, इंसेक्ट्स क्या है और उनका जो उसका जो मैनेजमेंट होता है वो किस तरह से किया जाता है, इंसेक्ट्स का मैनेजमेंट। उसके बाद में आ जाता है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस बताना है आपको हेलमेंथीज के अंदर, हेलमेंथीज के अंदर इकोनॉमिक इंपोर्टेंट बताना है। ये क्वेश्चन लगभग बहुत बार आया हुआ है, तो इस बार भी चांस है क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सोशल बिहेवियर बताना है आपको डियर के अंदर एंड हनीज बी के अंदर, सोशल बिहेवियर या सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी आ सकता है आपको कि हनी के अंदर एंड डियर के अंदर क्या होता है, तो सोशल बिहेवियर बताना है डियर के अंदर एंड हनी बी के अंदर। साथ में मोटिवेशन इम्प्रिंटिंग क्या होता है एंड लर्निंग क्या होता है, मोटिवेशन इम्प्रिंटिंग एंड लर्निंग क्या होता है इसको भी एक्सप्लेन करना है। साथ में अब देखिए जो बायोस्टेटिक्स का पोर्शन है ना, इसके अंदर से ज्यादातर आपको न्यूमेरिकल ही देखने को मिलेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ही कम आता है, जो कि आपकी लास्ट यूनिट है ना उसके अंदर। तो देखिए इसके अंदर आपको पाई जो डायग्राम है ना उसको बताना है, अच्छे से देख लेना पाई डायग्राम, और साथ में जो स्टूडेंट टी टेस्ट है ना इसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि स्टूडेंट टी टेस्ट है क्या। फिर आ जाता है आपको स्कोप एंड एप्लीकेशन बताने हैं बायोस्टेटिक्स के, बायोस्टेटिक्स के आपको क्या बताना है, स्कोप एंड एप्लीकेशंस बतानी है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं कि इस बार आपको किस टॉपिक में न्यूमेरिकल मिल सकते हैं, तो एक तो मिल सकता है मोड एंड मीन के ऊपर आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है, साथ में जो स्टैंडर्ड डेरिवेशन है ना उसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। अब अपन शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, जो क्वेश्चंस दो दो तीन तीन नंबर के आते हैं उनकी बात करें, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा वर्मी कल्चर क्या होता है, व्हाट इज द वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर के साथ में आ जाएगा एपिकल्चर क्या होता है, वर्मी कल्चर एंड एपिकल्चर, साथ में आ जाता है लेक कल्चर, पर्ल कल्चर एंड कोरल रीफ्स क्या होते हैं। ये तीनों के तीनों जो लेक कल्चर है, पर्ल कल्चर है एंड कोरल रीफ ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। इनके अंदर से भी आप थोड़ा सा कोरल रीफ एंड कोरल्स को देख लेना, पर्ल कल्चर को देख लेना, फिर लेक कल्चर को भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फिक्स एक्शन पैटर्न क्या होता है एंड साइन स्टिमुलस क्या होता है इसको भी आपको बताना है, जो कि इथोलॉजी का अपना एक पार्ट है। फिर बात करें तो बायोलॉजिकल क्लॉक्स क्या होती है, लास्ट ईयर की बात करें तो बायोलॉजिकल रिदम आया था, इस बार चांस है कि बायोलॉजिकल क्लॉक्स आपके एग्जाम में आ सकता है। फिर बात करते हैं फिरामोन्स क्या होते हैं, इसको भी आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए लास्ट ईयर की अपन बात करें तो लास्ट ईयर भी जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे ना इसी के अंदर से ही एग्जाम के अंदर आए थे, तो उम्मीद है चांस है कि इस बार भी जो मैंने क्वेश्चंस बताए इन्हीं के अंदर से आ सकते हैं, और ये जो क्वेश्चंस है ना ये आपको एग्जाम के अंदर जो परसेंटेज है उनको लाने में बूस्ट रहने वाला है, और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि उनके भी अच्छे परसेंटेज भी बन जाएंगे और उनका पेपर है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक, और नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर और भी बहुत सारे पेपर है उनके अंदर अपन फिर से मिलते हैं। थैंक यू।